अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत किसी को भी बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिनको समझ में आता है उनका जो जीवन है ना वो बहुत सक्सेसफुल और हर एक मोड़ पर जो है वो बहुत अपने आप को स्ट्रांग फील कर पाते हैं। ऐसा क्यों? अगर एक बार आपको अच्छे किताब समझ में आ गया और किताब का वैल्यू, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप अच्छे लोगों को भी समझ गए कि किसको अपने पास रखना है किसको अपने पास नहीं रखना है, तो भी आप फ्यूचर में ऐसे लोग आपके साथ होंगे जो आपके बहुत ईमानदारी से आपका साथ दे सकते हैं। तो ये दो चीज लाइफ में बहुत मायने रखता है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन पर डायरेक्ट दे सकते हैं, ताकि आप लोग जज कर पाओ एग्जाम के जैसा पूरा पैटर्न क्वेश्चन सेट किया गया है। बहुत सारा सेट रेलवे के लिए दिया गया है, ताकि आप देख पाओ एग्जाम के जैसे जो आपका सेट है, अगर उसमें आप एग्जाम देते हो तो आप स्कोर कितना कर पा रहे ठीक एग्जाम से पहले। और हाँ, अगर आपको लैपटॉप पीसी से देना है टेस्ट, तो सक्सेस की 98.net से भी जाकर दे सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। निम्नलिखित में से किसने बॉस्टन फिल्म फेस्टिवल यानी इंडिया इंटरनेशनल बॉस्टन फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं, उनका नाम आपको बताना है। और मैं बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका नाम है आपका नीना गुप्ता। अब इनको अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का भी इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, इन्होंने किस फिल्म में काम किया था, तो द लास्ट कलर। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी जो है वो इस मूवी को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने क्यों स्पोर्ट्स में अपना 22वां विश्व विलियर्ड्स खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और उनका नाम है आपका, नो डाउट, किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, अपने आप में बिलियर्ड्स में जो है इस गेम में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, पंकज आडवाणी। बहुत बेहतरीन प्लेयर है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है 22वां जो है वो बिलियर्ड्स खिताब जीतकर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे ने हरित पहल की सुविधा के लिए किन संगठन के साथ एक समझौते पर जो है वो डील साइन किया है। यानी जो इंडियन रेलवे है, अब वो भी जो है वो पूरा, आप सभी को पता है पूरा देश जो है वो हरा भरा पर ध्यान दे रहा है कि कैसे पूरे कंट्री को ग्रीन किया जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए, इसी तरह इंडियन रेलवे भी जो है इसके तरफ ध्यान दे रहा है। और इसके लिए डील साइन किया गया है इंडियन रेलवे का किसके साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ जो है वो डील साइन किया गया है। जितने भी इंडिया में कोच फैक्ट्री है, जितने भी रेल बनते हैं, वहां पर जो भी गार्डन है उसको हरा किया जाए, पूरा बढ़ावा दिया जाए, इस मुद्दे पर जो है वो भारतीय रेलवे का डील साइन किया गया है आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा किसके साथ टाई अप हुआ है। प्रश्न हमारे सामने है, भारत में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुल लक्ष्य कितना है, यानी इंडिया में जो है टोटल आयुष हेल्थ क्लिनिक कितने खोले जाएंगे, ये आपको बताना है। टारगेट लिया गया है हाल फिलहाल में, और टारगेट लिया गया है आपका 12,500, जिसमें मैं आपको एक बात बता दूं, 2019 में ही ना 12,500 में 4,000 जो सेंटर है वो इस साल ही खोला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। और ये लॉन्च किया गया है आपका राजस्थान सरकार के द्वारा। अब ये भैया जन सूचना पोर्टल है क्या, ये एक ऐसा पोर्टल है, मान लो उस राज्य में यानी राजस्थान में जितने भी सरकार के द्वारा इनिशिएटिव योजना एप्लीकेशन जो लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, उन सब के बारे में जो है वो जानकारी देगा ये पोर्टल। जो भी आप मान लो किसान को लेकर या फिर जो भी
सीनियर सिटीजन है उनको लेकर जो भी आप सभी का योजना लॉन्च किया गया पूरा इंफॉर्मेशन जो है ये इस पोर्टल पर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। गवर्नर कलराज मिश्रा और जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क्स मार लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त का नाम बताना है और उनका नाम याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न क्वालिफाई करता है, और उनका नाम है आपका पी लक्ष्मण रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और वही बात करूं आंध्र प्रदेश का कैपिटल राजधानी तो क्या है? आपका हैदराबाद। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद और सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं आपके। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने हाल ही में विश्व रिकॉर्ड के साथ दुनिया का सबसे कठिन ये जो रेस है ना वो जीता है, जिस रेस का नाम क्या है, जिस रेस का नाम है आपका इंडोर मैन त्रिथोलन। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये रेस किसने कंप्लीट किया है और एक रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है आपका मयंक भेद, ऑप्शन नंबर डी। और थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि 463 किलोमीटर की रेस थी ये, समझ रहे कितना कठिन रेस है। अब इसके अंदर जो था वो तैर कर यानी स्विमिंग कर साइकिल चलाकर और रन और रेस या फिर दौड़कर, ये तीन चीज कर जो है आपको 463 किलोमीटर का ये कठिन रेस जो पूरा किया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम क्या है? मयंक वैद। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना जो है वो लॉन्च किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा, ताकि दाल के ऊपर जो है वो सब्सिडी दिया जा सके जिनके पास भी राशन कार्ड है। क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे, राशन कार्ड धारकों को जो है वो दाल के ऊपर जो है वो सब्सिडी दिया जाएगा किस योजना के अंदर, तो योजना का नाम याद रखिएगा मुख्यमंत्री दलित हो गया यहां पर, हिंदी ट्रांसलेट गलती हुआ है तो यहां पर देख लीजिएगा आप लोग, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना ये योजना का नाम है। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। आप सभी को मैं बता दूं, चना दाल अभी आपको मार्केट में 70-75 रुपया किलो मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको महीने में दो बार 44 रुपए प्रति केजी जो है वो दिया जाएगा इस योजना के अंदर। उत्तराखंड के सीएम का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैपिटल देहरादून, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो आपका दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका इनोग्रेटेड यानी इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आप ये याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये चालू किया जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और एक बात आपको याद रखना है, कौन से नदी पर? तो वो आपका फुदुदुंग रिवर के ऊपर, ठीक है, ये आपको नदी याद रखना है। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम, यहाँ कैपिटल, सीएम कैपिटल और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर, ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स से बताना है, ठीक है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत सरकार ने मिनी और मेगा फूड पार्कों को वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि जो है वो स्वीकृत की है यानी लोन पास किया गया है, और वो लोन पास किया गया है आपका 3,000 करोड़ रुपए का। आप सभी को पता है मिनी एंड मेगा फूड पार्क मतलब किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक बात, वर्ल्ड बैंक का आप सभी को मैं बता दूं, या वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो सभी को पता है डेविड मालापास, हालांकि मैं आपको हमेशा करवा रहा, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए यानी खोजने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, और ऐसा शुरू करने वाला कौन सरकार है? तो वो है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव के लेखक को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, यानी
जो हमारे गुरु नानक देव थे, अब उनके जो भी लेखन था, उनका जो भी राइटिंग था, अब उनको अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, पब्लिश किया जाएगा। और ऐसा करने वाला कौन सा संगठन है, तो वो है आपका यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय, तो पेरिस फ्रांस में। वहां उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उनके डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखिएगा, ऑड्रे ओजोवाल है, इनका नाम याद रखिएगा, हालांकि ये एक लेडीज है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 17 सितंबर के, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलिए।